हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं चंद्र जौरवाल। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेली फैट बर्निंग वर्कआउट, और इस वर्कआउट प्लान को आप घर पर इजीली कर सकते हो। वर्कआउट प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है ये मैं आपको खुद करके बताऊँगा। आपको मेरे साथ करना है एंड मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अदरवाइज आप कुछ ज़रूरी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। बेली फैट आपके ओवरऑल लुक को ख़राब करता है, लेकिन बेली फैट को लूज़ करना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए हेल्दी एंड क्लीन डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है नेक रोटेशन। इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में 5 times करना है। नेक रोटेशन करते टाइम आप अपनी नेक को लूज रखेंगे और इसको रोटेट करते टाइम स्ट्रेच को फील करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है नेक की मोबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है रिस्ट रोटेशन। इसे भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 times करेंगे। इससे आपकी रिस्ट की मोबिलिटी बढ़ती है, जिससे आपको मसल इंजरी होने की चांसेस कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है बॉडी ट्विस्ट। इसे करेंगे और 10 count करेंगे। आप अपनी कोर को ट्विस्ट करेंगे बोथ डायरेक्शन में। बॉडी ट्विस्ट में आप अपनी कोर को एंगेज रखेंगे। नेक्स्ट है शोल्डर रोटेशन। इसे भी आप पहले की तरह बोथ डायरेक्शन में करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 times। शोल्डर रोटेशन एक अगेन बहुत ही अच्छा वार्म अप रूटीन है अपने शोल्डर की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अब हम करेंगे साइड टू साइड टो टच, और इसके 20 count करने हैं। इसमें आप अपनी कोर को एंगेज रखेंगे और उसको ट्विस्ट करेंगे। वार्म अप आपको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करता है आपके मेन वर्कआउट के लिए। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे स्क्वैट। आपको 10 squat करने हैं, और इसको किस तरीके से करना है, जब आप डीप पोस्चर में जाएंगे तो आपको होल्ड करना है 3 to 4 seconds, ताकि आपको अच्छा स्ट्रेच मिल सके लोअर बॉडी में। 10 count करेंगे। मेक श्योर स्क्वैट की टेक्निक और पोस्चर सही रखें। स्क्वैट में आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट आउट रहेगी, और आपकी नीज टो से आगे नहीं जाएंगे। इस करेक्ट फॉर्म में आपको स्क्वैट करने हैं और आप 10 count करेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी लोअर बॉडी के स्ट्रेच के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे हाई नीज और 30 count करेंगे। हाई नीज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के टेम्परेचर और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट और इस वार्म अप रूटीन की लास्ट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर। आपको 30 count करने हैं। अगेन माउंटेन क्लाइंबर एक बहुत ही अच्छा वार्म अप रूटीन है आपके हिप फ्लेक्सर और हैमस्ट्रिंग मसल को ट्रेन करने के लिए। मेक श्योर आप टेक्निक और पोस्चर पर ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है। अब इस वार्म अप के बाद हम 30 seconds का रेस्ट लेंगे। इस 30 seconds में आप पानी पिए और अपनी ब्रीदिंग को लॉन्ग रखें और रेडी हो जाएं नेक्स्ट मेन वर्कआउट के लिए। रेस्ट का आइडिया ये रहेगा कि आपको मिनिमम रेस्ट लेना है वार्म अप के दौरान, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। सो हमारी फर्स्ट मेन एक्सरसाइज आ रही है लैग एंड हिप रेज। इसके आपको 20 count करने हैं। लैग एंड हिप रेज आपकी लोअर एब्डोमिनल मसल को हिट करेगी। मेक श्योर आप इसके पोस्चर और टेक्निक पर ध्यान दें। लैग एंड हिप रेज एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी लोअर एब्डोमिनल मसल को 2 times हिट करती है। मेक श्योर आप इसमें लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, आपकी नीज को बैंड नहीं करेंगे, और 90 degrees तक लेग को रेज करने के बाद आप अपने हिप्स को रेज करेंगे उसी डायरेक्शन में।
अगर आप बिगनर हैं तो ये हो सकता है कि आप 20 काउंट एक बार में नहीं कर पाए, सो डोंट वरी, आपको गिव अप नहीं करना है। जितने भी रेपिटेशन आप कर रहे हैं उसके बाद बहुत थोड़ा सा रेस्ट लेके आप वापस से रेपिटेशन कंप्लीट करेंगे, 10 सेकंड का रेस्ट करेंगे जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टो टच, जिसके आपको करने हैं 20 काउंट। अगेन ये एक्सरसाइज आपके अपर एब्डोमिनल मसल को हिट करेगी। इसकी पोस्चर को समझते हैं, इसमें आप दोनों लेग्स को 90 डिग्री पर रेज करेंगे और फिर होल्ड करना है। उसके बाद आपको अपने दोनों हैंड से आपके टो को टच करना है। ये बहुत ही एडवांस और इफेक्टिव वर्कआउट है आपके अपर एब्स के लिए। मेक श्योर आप इसमें अपनी कोर को एंगेज रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। टेक्निक और फॉर्म इसमें सब कुछ है। अब आप 10 सेकंड का रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज है रशियन ट्विस्ट, जिसके आपको 20 काउंट करने हैं। रशियन ट्विस्ट एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए। मेक श्योर आप इसकी पोस्चर पर ध्यान दें। रशियन ट्विस्ट में आप ये ध्यान रखें कि कोर एंगेज रहेगी और कोर ही ट्विस्ट करनी है। बिना रेस्ट किए हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्लटर किक्स, इसके आपको 20 काउंट करने हैं। फ्लटर किक्स में आपकी दोनों लेग स्ट्रेट रहेंगी और इनको रेज करना है अल्टरनेट। ये आपके अगेन लोअर एब्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, लेकिन ध्यान रहे आप इसके अंदर अपनी कोर को एंगेज रखें, मसल माइंड कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रंचेस, और इसके करने हैं आपको 20 काउंट। क्रंचेस एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके अपर एब्डोमिनल मसल को हिट करने के लिए। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि आपकी नेक स्ट्रेट रहे, इसे बिल्कुल फ्लेक्स ना करें। मेक श्योर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, इनकी डेली प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए जाएं। इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। एप्स की बहुत सारी एक्सरसाइज करने से अच्छा है कि आप कुछ सेलेक्टिव एक्सरसाइज की बार बार प्रैक्टिस करें, इसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हिप ड्रॉप, और इसके आपको करने हैं 20 काउंट। हिप ड्रॉप आपके ऑब्लिक को हिट करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको प्लैंक पोजीशन में आकर अपने हिप्स को ड्रॉप करना है दोनों साइड। हिप ड्रॉप का आइडिया ये है कि आप इसमें अपने कोर को एंगेज रखते हुए इसे बोथ डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे। अब हम 10 सेकंड का रेस्ट करेंगे और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इन एंड आउट, और इसके हमको 20 काउंट करने हैं। यह आपकी लोअर एब्डोमिनल मसल को हिट करेगी। ये बहुत इजी और इफेक्टिव वर्कआउट है, आप मेक श्योर इसी पोस्चर में इसे करेंगे अपनी कोर को इंगेज रखते हुए। अगर आप एक साथ पूरे रेपिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट गिव अप, आपसे जितने भी रेपिटेशन होते हैं उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके आप वापस से स्टार्ट कर सकते हो। अब आप 30 सेकंड रेस्ट करेंगे और इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस वर्कआउट रूटीन की, वो है प्लैंक। सो आप 30 सेकंड का रेस्ट करें, पानी पिए। लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक, इसे हम 30 सेकंड होल्ड करेंगे। मेक श्योर आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी और होल्ड करेगी आपके एल्बो और टोज पर। आपको इसमें वी शेप नहीं बनाना है, अपनी बैक को बैंड नहीं करना है, पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी और आपको अपनी कोर को इंगेज रखना है, मसल माइंड कनेक्शन बना के रखना है। ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप इनकी रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करें, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। मेक श्योर आप पोस्चर पर ज़रूर ध्यान दें। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग, और हमारा पहला स्ट्रेच है कोबरा स्ट्रेच। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है आपकी लोअर बैक में पेन को रिलीफ करने के लिए। मेक श्योर आप इस पोस्चर को ध्यान रखें और इसमें 15 सेकंड के लिए होल्ड करें।
नेक्स्ट है कैट एंड काउ स्ट्रेच, अगेन लोअर बैक के लिए बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेच। मेक श्योर आप इसी पोस्चर में इसे करेंगे और टेक्निक को जरूर ध्यान में रखेंगे। कैट एंड काउ स्ट्रेच आपकी एब्डोमिनल ऑर्गेन्स को स्ट्रेंथन करता है, आपकी बैक टोर्स और नेक को स्ट्रेच करता है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा वर्कआउट प्लान फिनिश होता है। अब हम करेंगे कूल डाउन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ग्रेजुअली डिक्रीज करने के लिए, हमें रिलीफ देने के लिए। हम लॉन्ग ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। इस वर्कआउट रूटीन के साथ साथ आप अपनी डाइट पर भी स्पेशली फोकस रखेंगे, कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। और अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड टेक केयर।